जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रियाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं इन तीन चार स्मार्टफोन के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं कि आप इन तीन स्मार्टफोनों में से कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा इनमें से कौन सा स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। देखिए, पहला स्मार्टफोन iQOO G9S Pro, बहुत ही जबरदस्त रेटिंग के साथ में अभी तक लोगों का क्रेज बना हुआ जबरदस्त। और दूसरा स्मार्टफोन vivo T3 स्मार्टफोन, और तीसरा स्मार्टफोन realme 13 Pro। प्रो की बात करें, प्रो प्लस भी बहुत ही जबरदस्त। चलिए देखिए, एक सस्ता है, दो महंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं vivo T3 Pro या फिर iQOO G9S Pro। दोनों सुसरे एक ही स्मार्टफोन है, एक ही कंपनी के हैं समझ लो, और एक ही स्पेसिफिकेशन के साथ में प्राइस भी सेम आपको मिल जाती है। क्या इन दोनों में से कोई स्मार्टफोन खरीदा जा सकता है? चाहे iQOO G9S Pro खरीदिए, चाहे vivo T3 Pro खरीदिए, दोनों स्मार्टफोन सेम है, एक ही कंपनी के हैं, एक ही डिजाइन में कर्व डिस्प्ले में मिलते हैं, तो इनमें से कोई एक स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। यानी मैं एक स्मार्टफोन के बारे में बात करूंगा, आप समझ जाना vivo T3 Pro के बारे में भी बात कर रहा हूं। यहां पे अगर यूजर रेटिंग की बात करें तो ज्यादातर लोगों ने जो है iQOO G9S Pro को ही सपोर्ट किया है। लॉन्च डेट की बात कर लें तो iQOO G9S Pro 23 अगस्त को लॉन्च हुआ था, iQOO G9S जो है वो 29 अगस्त को लॉन्च हुआ था। दूसरा स्मार्टफोन realme 13 Pro, ये स्मार्टफोन जुलाई 30 2024 को लॉन्च हुआ था, android 14 पे काम करते हैं और दोनों ही बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रखते हैं। चिपसेट की बात करें तो iQOO G9S Pro में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर मिलता है, जो की बहुत ही जबरदस्त एंटीट्यूड स्कोर निकाल के देता है, यानी 8 लाख के आसपास। बहुत ही गेमिंग स्मार्टफोन है, बहुत तगड़ा स्मार्टफोन है। दूसरा realme 13 Pro की अगर बात करें तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का प्रोसेसर मिलता है, और ये भी स्कोर की बात की जाए तो एंट्री स्कोर ये 6.5 लाख के आसपास रहता है। आइए हम बात करते हैं इनके ग्राफिक स्कोर की, तो बेहतर हैं, जबरदस्त हैं। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन अलग अलग डिस्प्ले के साथ में आते हैं। एमोलेड डिस्प्ले मिलती है iQOO G9S Pro में 6.77 इंच की, और 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली फुल HD+ आपको डिस्प्ले मिलती है, जिसका रेफरेंस रेट है 120Hz। अच्छे कलर्स के साथ में डिस्प्ले आपको मिलती है iQOO G9S Pro में। realme 13 Pro की अगर बात करें तो इसमें आपको OLED डिस्प्ले मिलती है, जो कि 6.7 इंच की फुल HD+ वाली ही अच्छे कलर्स के साथ में डिस्प्ले देखने को इसमें मिल जाती। गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिलता है, 2000 nits पीक ब्राइटनेस मिलती है, 120Hz रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो डिस्प्ले काफी बेहतर दोनों स्मार्टफोन में आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। वीडियो में बने रहे दोस्तों, vivo T3 Pro की भी बात करूंगा। iQOO G9S Pro की अगर हम बात करें तो इसको IP64 की रेटिंग मिली हुई है, वाटर प्रूफ डस्ट प्रूफ स्मार्टफोन है, बहुत ही हल्के फुल्के IP65 की रेटिंग मिली हुई है realme 13 Pro को, तो डिस्प्ले और रेटिंग ठीक ठाक दोनों स्मार्टफोन की है। आइए हम बात करते हैं कैमरास की, तो iQOO G9S Pro चाहे realme 13 Pro हो, बेहतर कैमरा लेंस दोनों में आपको मिल जाता है। अगर फोटो वीडियो निकालते हैं तो ठीक ठाक लेंस आपको कहेंगे मिल जाते हैं दोनों स्मार्टफोन में। iQOO G9S Pro में 50 मेगापिक्सल का IMX882 का लेंस मिलता है, जो कि सोनी का है, और साथ में 8 मेगापिक्सल का एक और चिपका दिया गया है। साथ में realme 13 Pro की अगर बात करें तो 50 मेगापिक्सल का LYT600 लेंस मिलता है, सोनी का ही लेंस मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड इसमें भी मिलता है, लेकिन इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, और इसमें माइक्रो लेंस दे दिया गया है, काम का हो तो आप खरीद सकते हैं। इस प्राइस में आपको वायरलेस लेंस मिलेगा 100%, आपको वायरलेस लेंस मिलता है, ISO कंट्रोल भी मिल जाता है, HDR का भी सपोर्ट मिलता है, 20x डिजिटल जूम के साथ में दोनों स्मार्टफोन आपको मिल जाते हैं, डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप बैक कैमरे को भी इस्तेमाल करते हैं साथ में फ्रंट कैमरे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ फ्रंट कैमरे की बात करें तो iQOO G9S Pro में आपको 16 मेगापिक्सल का लेंस देखने को मिलेगा, realme 13 Pro की अगर बात करें तो 32 मेगापिक्सल का लेंस मिलेगा। भाई realme 13 Pro पिक्सल के मामले में ठीक है, बहरहाल फोटोज दोनों लगभग सेम निकालते हैं, जबरदस्त निकालते हैं। आइए सबसे मेन चीज जो कि बैटरी बात करता हूँ, 5500 mAh की बैटरी मिलती है iQOO G9S Pro में, 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, और जो कि फास्ट बैटरी चार्ज होने में सक्षम है। और realme 13 Pro की बात करें तो 5200 mAh की बैटरी मिलती है और 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। टाइप सी मिलती है दोनों स्मार्टफोन में, ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। अदर सेंसर की बात की जाए तो सारे सेंसर, यानी कंपास, जायस्कोप वगैरह सारे सेंसर आपको इन तीनों स्मार्टफोन में मिल जाएंगे, दोनों स्मार्टफोन में मिल जाएंगे। तीसरा स्मार्टफोन मैंने बताया ना vivo T3 Pro, इस दो रियर कैमरा सेटअप के साथ में आता है, सेम जो मैं आपको iQOO G9S Pro के बारे में बताया, सेम vivo T3 Pro में आपको सब कुछ सेम मिल जाता है। सिर्फ ये हमें बेवकूफ बना रहे, पता नहीं क्यों यार इतनी जल्दी मोबाइल फोन लॉन्च कर रहे हैं। चिपसेट भी आपको सेम मिल जाता है और प्राइस भी सेम है, 24,999 रुपए की प्राइस में ये vivo T3 Pro भी खरीदा जा सकता है फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पर 24,999 रुपए की प्राइस में iQOO G9S Pro खरीदा जा सकता है। हाँ, realme 13 Pro की बात करें तो 21,000 रुपए की प्राइस है इस वक्त, भाई कम हो सकती है ज्यादा हो सकती है वो आगे पता नहीं, पर realme 13 Pro Plus भी बहुत ही जबरदस्त है, अगर प्लस खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है realme। तो अब हम बात करते हैं इन तीन में से कौन सा बेहतर है, तो भाई iQOO G9S 100% खरीद सकते हैं, इस वक्त क्रेज भी है iQOO G9S Pro का, ये ठीक है iQOO G9S Pro आप खरीद सकते हैं, vivo T3 Pro भी खरीद सकते हैं, क्या खरीदोगे यार, ये सेम ही है, चाहे दोनों में से कोई भी खरीद सकते हैं यार, स्मार्टफोन खरीद सकता है, खरीदा जा सकता है। थैंक दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, मिलता है अगले वीडियो में, शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद जय भारत।